जार खान को जेएमएम का 5 साल का जो कार्यकाल हुआ वही जो 6 महीना था, जो 6 महीना में थोड़ा सा काम हुआ, मैया जुजाना किसने अनाउंस किया, संफाई सुरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए मेरा सम्मान संफाई जी का साथ है, लेकिन पॉलिटिकल बात हमको करना नहीं है, तो इसीलिए उससे हम बाहर, मेरे से कोई बात नहीं है। और मेरा लगता है कि इतना बड़ा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का साथ जो झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, उनका बारे में हल्का से हमें बात करना भी ठीक नहीं है। গাড়ি ভাড়া করি তো এতে কাগজ এখন লই আহ নাই তুই ঘর কত কিন্তু আর বেলেগ মিটিং নাহিবি তই আক তই সব মিটিং আহি নাথাকিবি কিন্তু मैं मंडल अध्यक्ष का एक बहुत प्रमुख भूमिका रहते हैं और हमारे जो काम है वो बूथ तक पहुंचना चाहिए। तो हमने 1 महीना का एक कार्यक्रम बनाया हूं, कैसे हम बूथ में लोगों को आकर्षित कर सकता हूं। तो आज दिन भर उसी मामला से हमारा विचार विमर्श हुआ और सारे लोग कॉन्फिडेंट है कि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। सर, दल बदल का चर्चाएं तेज है, अभी देखी जा रही है कि कुछ जेएमएम के नेता संपर्क में है ऐसा माना जा रहा है। देखिए, हमारा साथ अभी तक कोई संपर्क में नहीं है, दिन में मैं चैनलों से ही न्यूज देख रहा हूँ। और संफाई सोरेन जी एक बहुत ही वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, उनका बारे में मैं कोई कैजुअल कमेंट देना नहीं चाहता हूँ।
वास्तविक 18 तारीख को मुख्यमंत्री जो है झारखंड की बहनों को मैया योजना के तहत 1000 रुपए देने वाले हैं, आप इस योजना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये योजना वो कब दे रहा है, जब उनका कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है। पहले भी वो पेट्रोल योजना लाए थे, तमाम योजना लाए थे, लेकिन कोई भी योजना कंटिन्यू नहीं होते हैं। अभी ये 2000 रुपया लेने के लिए लोगों को 300-450 रुपया का रिश्वत देना पड़ा, 4-5 दिन लाइने में लगते रहे, जो वेतन है डेली वेतन है वो भी लॉस्ट हुआ। 2000 रुपया मिलेंगे, 1000 रुपया तो खर्चा ही हो गया। तो ये योजना अगर 12000 रुपया एक साथ डाल देते हैं सालों का, तब लोग विश्वास करेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री जी का क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, लोगों का विश्वास नहीं होगा। और आगे जाके बीजेपी बहुत बढ़िया योजना लेके आ रहा है झारखंड का, जनताओं का हित में, गरीबों का पक्ष में, हम लोग इससे भी बहुत अच्छा योजना लेके आ रहा हूँ। हम लोग सोच रहा हूँ कैसे झारखंड का युवाओं और माँ को हम निरंतर रिलीफ दे सके। जैसे आपको याद होगा, हेमंत सोरेन जी बोला था कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दूंगा, किसी को फ्री मिला, 72,000 हर साल गरीबों को घर में दूंगा, किसी को मिला। आज उल्टा आप 1000 रुपया दे रहा है और बालू में लोगों का 10000 रुपया घर से जा रहा है। तो जो आपको दे रहा है वो ले भी रहा है। तो इसीलिए मैं जितना मेरा बातचीत हुआ है, योजना तो सबको सही है, हम बीजेपी का परिवार को भी बोला हूँ आप भी ले लीजिए, किसलिए सरकार का योजना है, लेकिन ये योजना हेमंत सोरेन चुनाव होने के बाद बंद भी कर देगा, किसलिए फॉर्म में ही लिखा है कि आगे का योजना मिलने के लिए आपको आधार चाहिए, EKYC चाहिए, लाल अक्षर में फॉर्म में ही लिखा हुआ है। उन्होंने तो अभी से वार्निंग दे दिया कि ये योजना चुनाव की बात ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जो चुनाव घोषणा होगा या जो भी हम स्कीम लाएगा, 2 महीना के लिए नहीं, पूरा 5 साल वो चलेगा। बंगाल में जो घटना हुआ है बहुत ही दुखदायक है, जैसे मेरा दिल में पीड़ा है, मेरा विश्वास है ममता जी का भी दिल में इतना ही पीड़ा होगा। ममता दीदी को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, जो भी लोग ऐसा घृणनीय काम किया उनका खिलाफ एकदम आउट ऑफ वे जाके व्यवस्था लेना है। सरकार किसका है, सरकार तो आपका पास है, आप जो भी होगा बार बार होगा तो आप बोलेगा झारखंड का कारण बार हुआ। ममता जी क्या बोलता है, अगर पश्चिम बंगाल में बार होते हैं बोलता है झारखंड के लिए बार हुआ, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर का ऊपर अत्याचार होते हैं बोले राम और बाम का कारण हुआ। अगर आप प्रभु श्री राम का बारे में ऐसा बात बोलेगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, राम का मतलब क्या है, राम तो राम ही है, उनका बारे में इतना गलत बात आप बोल सकते हो, तो मेरा तो शब्द ही नहीं है, उसका क्या आप टिप्पणी करें। देखिए, मंडल अध्यक्ष लोगों को मैंने यही बताया कि हमें चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए।